हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गुंजन किचन में। और आज मैं इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए बताऊंगी। यह बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ चार चीजों से बनेगा। और ये देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा कुरकुरी और क्रिस्पी जलेबी बन के रेडी हो गया है। तो आप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो घर में इस टाइप के जलेबी बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, आगे बनाने के लिए बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखो, जलेबी के बनाने के लिए मैं इसका पहले सबसे पहले इसका मैं बैटर रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा ली हूँ, और इसकी मैदा के 1 कप में मैदा ली हूँ, तो इसमें 1/2 कप मैं इसमें कर्ड यूज करूंगी, देख सकते हैं जैसे कि आप। तो बाद ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर यूज किया है, और इसकी जगह पे आप नहीं हो तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड की हूँ, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक बैटर रेडी करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे, एक साथ ज्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए, मेरा ये बैटर बन के रेडी हो गया है। मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है, इस टाइप का बैटर होना चाहिए। तो चलते हैं, तब तक इसके बाद मैं इसमें बाद में चाशनी बना लेती हूँ। तो देखिए, इस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बेटर की, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, देख सकते हैं जैसे कि आप। तो इसके बाद मैं अपना वो चाशनी रेडी कर लेती हूँ, तब तक इधर रख देती हूँ। तो देखिए, मैं चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैंने खीरे ली हूँ, तो इसी के मेजरमेंट से 1 कप मैं इसमें पानी भी ऐड करूंगी। तो देखिए, मैं 1 कप चीनी था तो 1 कप मैं इसमें पानी ऐड की हूँ, और इसको हाई फ्लेम पे चाशनी रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, एक बॉल आने वाला है, अब मैं इसमें एक इलायची ऐड कर देती हूँ। आपके पास फूड कलर हो तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, इसमें ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, मेरा ये चाशनी बन रहा है, तब तक मैं इसको दूसरा बॉल मैं प्रोसेस कर लेती हूँ। तो देखिए, इसमें हल्का हल्का झाग भी निकलता है, तो इसका झाग निकालने के लिए आप इसमें दूध भी ऐड कर सकती हैं या फिर नींबू। तो हम ऐसे ही स्पून की सहायता से हम निकाल लेंगे। इस चाशनी में 1 तार या 2 तार की जरूरत नहीं होती है, वह हल्का हल्का सिर्फ हनी टाइप का बस बना लेना है। 5 से 6 मिनट तक हो जाएगा, 5 मिनट तक हम बनाएंगे तो इसको। तो देखिए, इसमें 1 तार या 2 तार नहीं आया है, और मेरी चाशनी बन के रेडी हो गया है। तो अब इसके बाद मैं चलती हूँ जलेबी बनाने। तो देखिए, मैं इस टाइप के बॉटल में भी इसको बनाऊंगी, यह ऑप्शनल है। ये आपके पास नहीं हो तो दूध वाला जो पैकेट होता है उसमें भी डाल के आप बना सकती हैं। तो मैं इसमें तो इसको बैटर को मैं ऐड करती हूँ। तो देखिए, मैंने इसको पैन को मैंने इस टाइप का पैन इसमें यहाँ पे यूज की हूँ। यहाँ पे चौड़ा पेन रहेगा तो भी मतलब अच्छा से थोड़ा बनता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस शेप में बनाते रहेंगे, अच्छा शेप नहीं बनता है बट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसे करके बना लेंगे। तो देखिए, ऐसे करके बना लेंगे सारे प्रोसेस को। इसको ऐसे पलटते रहेंगे, छोड़ नहीं देना है, नहीं तो एक तरफ से जल जाएगा। तो देखिए, मेरा बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको तुरंत चाशनी में डाल देंगे, और डाल के 1-2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए, मेरा बन के जलेबी बहुत ही अच्छा रेडी हो गया है, टेस्टी और क्रिस्पी। जैसे जितना देखने में बाहर से क्रिस्पी लग रहा है, उतने ही जूसी भी है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इसको सिर्फ 10 मिनट में बनाई हूँ, सिर्फ 4 चीजों से। तो आप इसको बनाइए और खाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।